Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. So today I'm going to show you how to crimp your hair. As you all were asking me how to crimp your hair, how I crimp my hair. So I usually do it by using two methods. One is by a natural way and one is by using a crimping iron. So without wasting any time, let's get started. So the first method is by using a natural way to crimp your hair. So I'm going to take this bottle and just wetting my hair. I'm taking this strand, main ye wala strand lungi hair ka, and then I'm just wetting my hair. So after wetting your hair, just you have to make a simple braid, nothing much. सो गाइस, क्रिम्पिंग जो रहती है हेयर की, वो आपको ऐसे करनी है कि अगर आपको छोटे क्रिम्प्स चाहिए तो आपको छोटी ब्रेड बनानी है, और आपको बड़े क्रिम्प्स चाहिए तो आपको बड़ी ब्रेड, मोटी ब्रेड बनानी है. सो मैं इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगी. लाइक सो, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ वेरी नेचुरल ब्रेड. सो फुल्ली कभी भी मैं अपने पूरे बाल क्रिम्प नहीं करती हूँ, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा भारी दिखने लगते हैं. इसीलिए तो मैं ऑलमोस्ट अपने ऊपर के बाल हमेशा क्रिम्प करती हूँ. सो इसको आपको ओवरनाइट रख सकते हो, 2-3 घंटे के लिए रख सकते हो. अगर आपको 2-3 घंटे के लिए इसे रख के जल्दी से काम करना है तो आप इसको प्रेस फ्लैट आयरन से जल्दी से इसे क्रिम कर सकते हो. सो यूजुअली जब मेरे पास क्रिम्पिंग आयरन नहीं थी तो मैं यही मेथड यूज करती थी. नाउ यू कैन टेक अ रबर बैंड एंड टाई इट. आई एम टेकिंग अ बॉबी पिन बिकॉज मेरे को रबर बैंड अभी मिल नहीं रही है. सो मैंने इस तरह से इसे लगा के छोड़ रही हूँ, और मैं एक और ब्रेड करती हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए कि जब क्रिम्प होने के बाद बाल कैसे दिखते हैं. एक मैं कर रही हूँ आगे की छोटी. आई एम गोइंग टू लाइक टाई इट ओवर हेयर बिकॉज ये थोड़ी रिस्की है कि ये खुल सकती है. तो ये हम लोगों के, मैंने दो स्ट्रैंड अभी यहाँ पे क्रिम किए हैं. आप एटलीस्ट 4 स्ट्रैंड करिए और आपके यहाँ के बाल बहुत सारे, मतलब थोड़ी थोड़े गैप छोड़ के आपके जो बाल है वो क्रिम्प दिखने लगेंगे. सो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. 4 यहाँ 4 यहाँ एंड यू आर डन. अब मैं आपको दिखाती हूँ बाई यूजिंग अ क्रिम्पिंग आयरन. सो लेट्स डू इट. सो फॉर द सेकेंड मैथड आई एम जस्ट फर्स्ट कॉम्बिंग माई हेयर, एंड देन आई एम applying aloe vera gel for protecting my hair, like yes, क्योंकि मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ अपने बालों पे heat tool इस्तेमाल, इसीलिए. Then मेरे पास ये है Nova की crimping iron. मैं इसकी link डाल दूँगी. I think 600 के आसपास है, और I think मेरे यहाँ पर कुछ लगा है. हाँ, अब मैं एक स्ट्रैंड लेके दिखाऊंगी आपको. मैं कभी भी अपने बालों को आधे टाई कर लेती हूँ और सिर्फ ऊपर के बाल छोड़ती हूँ, जैसे ये इतने बालों को सिर्फ मैं क्रिम करती हूँ. मैं पूरे बाल नहीं करती क्रिम. एंड देन जस्ट सेम मैं ये वाला पोर्शन लूंगी ऊपर का, सिर्फ ऊपर का पोर्शन. And then using the same one.
सो यू कैन सी मैंने सिर्फ ऊपर के बाल क्रिम किए हैं इस पोर्शन के, सिर्फ ऊपर के बाल क्रिम करें, नीचे के बाल एकदम सादे हैं एंड यू कैन सी ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट ऊपर के बाल हमेशा क्रिम करती हूँ, मैं नीचे के बाल क्रिम नहीं करती क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग रहते हैं और अगर आप ऊपर के कर लेते हैं तो आपके नीचे के ऑलमोस्ट सब ढक जाते हैं और वो अच्छे लगते हैं। इसको मैं दो तीन घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, मैं एक ही घंटा छोड़ पाई हूँ इसे, अदरवाइज ये बहुत अच्छे क्रिम्प हो जाते हैं क्योंकि मुझे अभी जाना है बहुत जल्दी कहीं पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला पोर्शन कैसा लगता है। अगर आप इसे 3-4 घंटे छोड़ देंगे तो ये इससे कहीं ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो यहाँ के बाल भी आप देख सकते हैं, सिर्फ एक घंटे छोड़ने के बाद ही ऐसे क्रिम्प दिख रहे हैं। आप सोचिए आप इसे ज़्यादा छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा। So I'm just opening this. You can see. सो आप देख सकते हैं कि ये बाल भी क्रिम्प हो गए हैं सेम इसी की तरह। सो देयर इज नॉट लॉट्स ऑफ डिफरेंस क्योंकि अगर मैंने इन्हें ज़्यादा छोड़ा होता तो ये बहुत अच्छे से क्रिम्प हो गए होते। सो गाइस ये थे टू मेथड्स फॉर क्रिम्पिंग योर हेयर्स, वन इज नेचुरल एंड इसे आप 3-4 घंटे छोड़िए, बहुत अच्छा क्रिम्प निकलेगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छा क्रिम चाहिए तो आप रात में से यहाँ पे 4 ब्रेड और यहाँ पे 4 ब्रेड करके सो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया लिंक्स विच आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं यहाँ पे एक फोटो इंसर्ट करूँगी, आप वहाँ पे जाके मुझे क्लिक करके वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। और अब मैं आपको कहती हूँ बाय।